आज पूरा का पूरा देश अधिनायकवाद की तरफ बढ़ रहा है, फासिज्म की तरफ बढ़ रहा है। अगर यही धंधा इन लोगों का चलता रहा आगे भी, और इस देश के और प्रदेश के लोग अगर नहीं जागे, तो आने वाले समय में देश को ये लोग अपने पॉकेट में रख लेंगे और संविधान की को फाड़ कर फेंक देंगे और नया संविधान बनवा देंगे जिसमें भगवा राष्ट्र का निर्माण। हम सबों के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एक बहुत बड़ी पहल की है और पूरे देश के विपक्षी पार्टियों को एक करने का उन्होंने संकल्प उठाया है, और हम समझते हैं कि वो इसमें सफल होंगे और 2024 का चुनाव में देश का लोकतंत्र बचेगा, भारत भाजपा मुक्त भारत का निर्माण होगा। आज हम सब लोग बाबा साहब की 132वीं जयंती मना रहे हैं, तो सबसे पहले मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जाने जाते थे इस बात के लिए कि समाज में गैर बराबरी को समाप्त करने के लिए उनका बचपन से यह संघर्ष रहा। समाज सुधारक के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जाने जाते थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे भारत का जो संविधान है उसके शिल्पकार के रूप में जाने जाते। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सदैव से जो समाज की जो कुरीतियां हैं, और उस समय आप कल्पना करिए कि जब बाबा साहेब अपने युवा पीढ़ी में होंगे उस समय देश का क्या हालत होगा, आज जब ये स्थिति है, छुआछूत के कारण बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को स्कूल में चपरासी उनको पानी पिलाता था, उनको चपरासी पानी पिलाता था। उस संघर्ष के दौर से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अपनी पहचान बनाई पूरे देश में। इसलिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का विचारधारा और जो उनकी सोच थी वो समाज का जो गैर बराबरी था उस गैर बराबरी को समाप्त करने के लिए उन्होंने पूरे जीवन संघर्ष किया। उनका विचारधारा समाजवादी विचारधारा, और इसलिए समाजवाद के बहुत नजदीक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुआ कर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से उनके बहुत अंतरंग संबंध थे, दोनों का विचारधारा एक मिलता था, दोनों में के विचारों में समानता थी, इसलिए उन्होंने किया। और स्वयं तो जो दलित होने का उनको जो समाज की कुरूतियां थी उसकी जो प्रताड़ना उनको झेलनी पड़ी थी, उसी के कारण जब उन्होंने संविधान का निर्माण किया, संविधान उन्होंने लिखने का काम किया, तो उन सभी बातों का ध्यान उन्होंने रखा ताकि आने वाले समय में समाज में गैर बराबरी समाप्त। अब जब गैर बराबरी समाप्त करने की बात करते हैं, आप क्या था बिहार में, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में गैर बराबरी को समाप्त करने के लिए जो हाशिए पर खड़ा हुआ वर्ग है उस वर्ग को न्याय के साथ विकास के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया वो शायद दुनिया में अपने आप में एक उदाहरण। क्या किया इन्होंने शुरू में, कई साथियों ने यह बात आपको बताई कि 2005 में जब बिहार के मुख्यमंत्री 2005 के अंतिम महीने में नवंबर में जब बिहार के मुख्यमंत्री बने सबसे पहला काम इन्होंने किया, 2006 में कि दलित समुदाय के लोगों को पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय के चुनाव में आरक्षण उन्होंने देने का काम, उतना ही नहीं किया उन्होंने, उसके आगे बढ़ते चले गए और जो दलित समुदाय के बीच में भी जो महादलित समुदाय था उसको उन्होंने जोड़ने का और उसके लिए उनके उत्थान के लिए योजनाएं उन्होंने बनाने का काम किया, महादलित विकास मिशन बनाया उन्होंने, महादलित वर्ग के लोगों को चिन्हित करने के लिए कि कौन कौन से महादलित वर्ग का परिवार है
जो परिवार आज भी विकास के मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ा है उसको चिन्हित करने के लिए उन्होंने लंबी फौज एक विकास मित्र की खड़ा की पूरे बिहार में, जिन्होंने घर घर जाकर हर घर की पहचान की और वैसे सभी लोगों के साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने न्याय करने का काम किया। सबों को घर, जिनके पास घर नहीं है उनको घर देने के लिए योजना बनाई, उनको घर देने के लिए जो जमीन उपलब्ध नहीं था इन्होंने कहा कि अगर जमीन उपलब्ध नहीं है, सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है, तो हर लोगों को जमीन खरीदने के लिए सरकारी खजाने से पैसा दीजिए ताकि दलित परिवार का हर व्यक्ति अपने घर का मालिक बने। कई काम उन्होंने किया, आपने देखा अभी प्रस्तुतिकरण, पार्टी का जो प्रस्तुतिकरण हमारे साथी अमरदीप जी ने तो तैयार किया है, आपने देखा, हम उनको धन्यवाद देते हैं कि बहुत अच्छा उन्होंने प्रस्तुतिकरण तैयार किया है। हम अमरदीप जी को आज इसके लिए विशेष तौर पर धन्यवाद देते हैं। लेकिन जो उन्होंने किया वो सारी बातों का उल्लेख उस छोटे से प्रस्तुतिकरण में है। तो इसलिए नीतीश कुमार जी ने जो दलित समुदाय के और महादलित समुदाय के लोगों के विकास के लिए जो बिहार में काम किया वो शायद अपने आप में एक उदाहरण है। हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया, महिलाओं के लिए भी काम किया उन्होंने, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को भी काम किया। लेकिन आज उन सब बातों की चर्चा की जरूरत नहीं है, कभी और मौका मिलेगा तो हम लोग उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कई भाषण है उनके, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के कई भाषण, कई कोट्स हैं उनके जो महत्वपूर्ण कोट्स, उसमें एक कोट यह भी है कि अगर भारत के संविधान का कोई उल्लंघन करेगा तो सबसे पहले भीमराव अंबेडकर उस संविधान को जलाने का काम करेगा। आज क्या हो रहा है, आज पूरे देश में क्या हो रहा है, भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिस प्रकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान को जब लिखा था और उसका जो तैयार किया था उस समय जो उनकी कल्पना थी उसके विपरीत आज भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही। आज पूरा का पूरा देश अधिनायकवाद की तरफ बढ़ रहा है, फासिज्म की तरफ बढ़ रहा है, सारी संस्थाओं को समाप्त किया जा रहा है, सारी संस्थाओं पर नियंत्रण कायम किया जा रहा है। जो संस्थाएं अपने आप में स्वतंत्र इकाइयां हैं उनको भी सरकारी नियंत्रण में लिया जा रहा है, और जो सरकारी नियंत्रण में लेके उसका राजनीतिक इस्तेमाल और राजनीतिक उपयोग करने के लिए अपने पक्ष में किया जा रहा है। आज देश का इतिहास बदल रहा है। अगर यही धंधा इन लोगों का चलता रहा आगे भी और इस देश के और प्रदेश के लोग अगर नहीं जागे तो आने वाले समय में देश को ये लोग अपने पॉकेट में रख लेंगे और संविधान की को फाड़ कर फेंक देंगे और नया संविधान बनवा देंगे जिसमें भगवा राष्ट्र का निर्माण होगा। ये है, आप सबको याद है, कोई दोहराने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ था 2015 के चुनाव के पहले जो आरएसएस के चीफ थे उन्होंने कहा कि आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। क्यों पुनर्विचार करने की जरूरत है भाई, काहे पुनर्विचार करने की जरूरत है, जब डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान का निर्माण किया था उस संविधान में उन्होंने दलित वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी और वो आरक्षण को से छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति उस संविधान के विपरीत काम करता है। तो इसलिए आज उस बात की जरूरत है। तो इसलिए आज देश में जो कुछ हो रहा है, वो देश में जो आज जो कुछ भी हो रहा है वो लोकतंत्र को समाप्त किया जा रहा है। भाई देश का जो संविधान बाबा साहेब ने बनाया उसमें क्या लिखा हुआ है, ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र की यहां मर्यादा है। आज सभी चीजें समाप्त की जा रही हैं, जो सरकारी संस्थाएं हैं उनका राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है, अपने विरोधियों को फंसाने के लिए उसका प्रयास किया जा रहा है, उनको लपेटने का प्रयास किया जा रहा है, उनको ब्लैकमेल करके जवान चुप रखिए एक शब्द मत बोलिए इसका प्रयास किया जा रहा है। ये क्या है, यही लोकतंत्र है।
और अगर ये लोकतंत्र है तो इसका मतलब है कि ये देश फासिज्म की तरफ जा रहा है, अधिनायकवाद की तरफ जा रहा है। तो आज समय आया है, हम सबों के नेता, मंडल जी ने ठीक कहा, हम सबों के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एक बहुत बड़ी पहल की है और पूरे देश के विपक्षी पार्टियों को एक करने का उन्होंने संकल्प उठाया है। और हम समझते हैं कि वो इसमें सफल होंगे और 2024 का चुनाव में देश का लोकतंत्र बचेगा, भारत भाजपा मुक्त भारत का निर्माण होगा और हम सब लोग उसके लिए तैयार रहे, हम सब लोग उसके लिए सचेत रहे, सतर्क रहे। यही आग्रह और अपील करते हुए, अगर हम देश को बचाने में कामयाब हो गए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, सच्ची उनके प्रति समर्पण का भाव होगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।